नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, सबसे पहले आपको बता दूं, आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया इसके लिए। और आज मैं आपको बता दूं कि आज वो दिन आ गया जो हर एक यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस दिन का वो जब पहला वीडियो अपलोड करता है तब से वो इस दिन का इंतजार करता है। तो आज मेरा वो दिन आ चुका है। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहा हूं मैं। जी हाँ, मैं बताता हूं आपको। यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यूट्यूब जो है ज़्यादातर लोग अपनी हॉबी के लिए करते हैं और इसके अंदर हॉबी के साथ पैसा भी मिलता है। तो उस पैसे को आप तक पहुंचने के लिए कुछ वेरिफिकेशन होते हैं, कुछ थ्रेशोल्ड होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या कि गूगल के एक सर्विस है गूगल एडसेंस, जिससे आप अपने यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन वगैरह को मोनेटाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप इन्हें मोनेटाइज कर लेते हैं तो आपके जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे यूट्यूब चैनल है, उसका एक अलग थ्रेशोल्ड है जिसमें आप 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में आपका चैनल जो है रिव्यू के लिए जाता है, फिर मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद में जो आपका एड रेवेन्यू होता है वो आप तक पहुँचने के लिए कुछ वेरीफिकेशन करने होते हैं। तो इसका एक थ्रेशोल्ड होता है। जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट के अंदर आपके $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक एड्रेस वेरिफिकेशन करना होता है, जहाँ पे आपको अपनी आईडी प्रूफ अपलोड करना होता है। उसके बाद में एक पिन आपके एड्रेस के ऊपर आता है जिसे गूगल एडसेंस एड्रेस वेरिफिकेशन पिन कहा जाता है। वो आपके एड्रेस पे आता है गूगल की तरफ से, और जैसे ही वो एड्रेस पे आता है उसके बाद में आपको वो पिन वापस से सबमिट करना होता है, तब जाके आपका जो चैनल जो एडसेंस है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में आप अपनी बैंक डिटेल अपडेट करते हैं और आपका पेमेंट जो है वो आना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं, कई बार पिन नहीं आ पाता। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो पिन था वो कितने टाइम में आया, कैसे आया, कब आया, कब मैंने अप्लाई किया, क्या क्या कैसे किया, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैंने 3 सितंबर को मेरा जो पिन है वो डिस्पैच हुआ था 3 सितंबर को, और मेरे को 3 अक्टूबर को, यानी फिक्स एक महीने के अंदर मेरे को मिल चुका है। लेकिन मैं सोच रहा था कि पता नहीं मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने जो है रीसेंड के लिए भी डाल दिया है। वो भी मेरे को थोड़े बहुत टाइम में आ जाएगा, देखते हैं कब तक आता है। तो मेरे पास 2 एडसेंस पिन आने वाला। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पहले वाला पिन डालूँ या बाद वाला पिन डालूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं, आप तीन बार तक अप्लाई कर सकते हैं, और यदि 3 बार में भी नहीं हो पाते तो उसका भी रास्ता है। 3 बार तक आप अप्लाई कर सकते हैं और आपके तीनों पिन जो हैं वो सेम होते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये पिन दिखने में कैसा होता है ये आपको दिखा दूंगा मैं, फोटो के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। वैसे इस पिन के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं होता, सिर्फ एक OTP टाइप का, वैसा ही एक पिन जैसा सा इसके अंदर होता है। और यदि आपको 3 बार के अंदर भी आपका पिन नहीं आपको मिल पाता है तो आप जो है डायरेक्ट वहाँ पे आप पे बटन आ जाता है, आप वहाँ पे चैट करके बात कर सकते हैं और उन्हें मेल कर सकते हैं एक अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसके अंदर आपका एड्रेस वगैरह मेंशन हो, और वो वहाँ से आपका इजीली वेरीफाई हो जाता है एंड टू एंड। इसके अंदर कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपको ये पीछे दिखाई दे रहा है मेरा सेटअप, इसके बारे में। तो मैं बड़ा ही एक बेसिक सा सेटअप यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा पुराना है लेकिन फिर भी मेरा इससे काम चल रहा है। मैंने ज़्यादा ध्यान दिया है ग्राफिक के ऊपर और मॉनिटर्स पे। ये सोनी का टीवी है, LED टीवी है 32 इंच का, जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इसके अलावा एक जेब्रोनिक्स का मॉनिटर है, एक LG का मॉनिटर है, यानी तीनों ब्रांड मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। अब मैं बात करूँगा यदि मेरे CPU की, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ लिनोवा का, और कीबोर्ड माउस मैं यूज़ कर रहा हूँ HP के। मतलब ये सारे ही ब्रांड मैंने यहीं पे डाली हुई है। अभी मेरे पास ये शायद 3rd जनरेशन i5 प्रोसेसर के साथ 12 GB रैम, 500 GB हार्ड डिस्क, 2 GB ग्राफिक के साथ ये मेरे पास सिस्टम है और मेरा काम अच्छा खासा चल रहा है। मैं इनको एडिटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर लेता हूँ।
एडिटिंग मैं इससे करता हूँ, मानता हूँ थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम बात कर लेते हैं, बाकी बेफालतू की बातें क्यों करते हैं इतना, हम बात करते हैं जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको कहाँ पे अपना पिन वो डाल के किस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, ये आपको मैं दिखाता हूँ हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए आ जाइए अब आप हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ गूगल एडसेंस लॉगिन किया है। आप यहाँ पे गूगल एडसेंस सर्च करके और अपना आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के इसे बड़ा सिंपल से तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। वैसे लॉगिन होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, चाहे आपका इंटरनेट कनेक्शन कितना भी फास्ट क्यों ना हो। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक अलग से टू डू बॉक्स के अंदर मिल जाएगा यहाँ पे वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस, और ये हमारा बिलिंग एड्रेस है। तो इसके ऊपर वेरीफाई के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमें देखिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिल पाते हैं यहाँ पे हमारा पिन डालने के लिए। और अभी तक जैसा कि हमने एक बार भी पिन नहीं डाला है, तो हम अब हमारा पिन यहाँ पे एंटर करने वाले हैं और हम एंटर कर रहे हैं, क्लिक कर दिया है और हमारे पास आ चुका है Your billing address has been verified. तो जैसा कि अब तक का आपने वीडियो में देखा कि हमने जो हमारा एड्रेस है वो वेरीफाई कर दिया और अब हमारे पास बैंक अकाउंट डिटेल जो है हमारी फिल करने का ऑप्शन आ रहा है, यानी हम हमारी बैंक डिटेल जब भी चाहे तब भी इसमें फिल कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को बैंक से कुछ पूछना होगा, बैंक को कॉल करना होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को पूछनी होंगी जो हम बैंक से बात करके पता करेंगे। और जैसे कि हमें एक शिफ्ट कोड चाहिए तो हमें बैंक में फ़ोन करके पता करना पड़ेगा कि शिफ्ट कोड क्या है, कौन सा शिफ्ट कोड होता है। मेरे को नहीं लगता है यहाँ पे बैंक वालों को पता होगा, लेकिन हम पता करेंगे और हमारा जो शिफ्ट कोड वगैरह है वो जल्दी से एंटर करेंगे ताकि जैसे ही हमारे $100 हो हमारा पेमेंट आ जाए। और बाकी आपके जो भी सब सवाल हैं, सुझाव हैं, जो भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं, आप मेरे को नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा नहीं रहा इंटरटेनिंग तो रहा होगा, यदि वो भी नहीं रहा तो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए यदि किसी को जरूरत है तो। बाकी आप सब समझदार हैं मेरे को पता, आप वीडियो लाइक किए बिना तो जाएंगे नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।